Hi, today is 29th of May 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu Daily Edition. आज के पेपर में हम ये सारे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट वर्किंग विद चाइना टू रिजॉल्व LAC इशू पीसफुली. ये बात कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में. इसमें हम जानेंगे अभी यहाँ पे रीसेंट डेवलपमेंट क्या हो रहा है. देन सेकंड इज अबाउट सेंटर रिव्यूज सिचुएशन इन 13 रीजन्स हिट हार्ड बाय वायरस. लॉकडाउन 4.0 अभी अप्रोचिंग टू एंड, इसके बाद हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, विल हैव अ डिस्कशन. नाउ दिस इज हेस्टी फीट. यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन राइनोसोरस की. यहाँ पे हम देखेंगे इनके रीजंस क्या है बिहाइंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, एंड देन क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, एंड व्हाट ऑल वी कुड डू एज एन इंडिविजुअल, हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. फोर्थ इज अबाउट ट्रेड कंजम्पशन ऑफ लिकर नॉट अ फंडामेंटल राइट. ये गवर्नमेंट ने, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला हाईकोर्ट को. हम इसको जानेंगे कि ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है फॉर दिस स्टेट गवर्नमेंट. फिफ्थ इज अबाउट स्प्रे पेस्टिसाइड्स टू डील विद पॉसिबल लॉक्यूस्ट अटैक. ये जो लॉक्यूस्ट अटैक है, ऑनगोइंग हम आर्टिकल देख रहे हैं, ये सीवियर होता जा रहा है. इसमें रिसेंटली क्या अभी हमारे मेजर्स हैं, विल गेट टू नो. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी सर्टेन गाइडलाइंस दिया है ये इस टाइप से लॉक्यूस्ट स्वॉर्म से अटैक के डिफेंड के लिए. सिक्स्थ इज अबाउट एक्सपोर्ट ब्लॉक. दिस इज एडिटोरियल. एडिटोरियल में हम देखेंगे व्हाई वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एक्सपोर्ट सेक्टर वंस अगेन. देन सेवेंथ इज अ ब्रूइंग स्टॉर्म. दिस इज अबाउट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एंड ट्विटर, बट इन टोटैलिटी विल ट्राई टू हैव अ लुक ऑन दिस सोशल मीडिया डिजिटल टेक कंपनी और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए. देन एट्थ इज अबाउट फॉर अ रीसेट इन इंडिया नेपाल रिलेशंस. इंडिया और नेपाल के रिलेशंस हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रहे हैं, बट फॉर पास्ट सम टाइम इसमें कुछ ट्रबल्स आ रही हैं. सो वी नीड अ रीसेट. इसमें हम डिफरेंट कंटूर्स देखेंगे इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के. नाइन्थ इज अबाउट फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ टू अ स्टेलमेट. द हियर विल टॉक अबाउट दिस लद्दाख. लद्दाख में इंडिया क्या डेवलपमेंट, दिस दौलत बेग ओल्डी और LSE इन टोटल इंडिया क्या डेवलपमेंट कर रहा है, एंड इससे बिकॉज वहाँ पे स्टेटस क्वो को चेंज हो सकता है, दैट इज़ वाई चाइना यहाँ पे इतना ऑब्जेक्शन इन चाइना का ये अग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है. टेंथ इज कैन इंडियाज वर्क फोर्स हैव अ सेफ रिटर्न टू बिजनेस. विल सी कि पोस्ट COVID-19 वर्ल्ड में हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए. इलेवेंथ इज अबाउट बीजिंग्स लद्दाख ब्रिंक्समैनशिप. इसमें हम चाइना का एंगल देखेंगे कि चाइना का ये जो रिसेंट एक्सटर्नल एडवेंचरिज्म है और एग्रेशन है, नॉट ओनली विद रेस्पेक्ट टू इंडिया बट ऑल्सो इन साउथ चाइना सी विद रेस्पेक्ट टू USA एज वेल, ये किस डायरेक्शन में चाइना मूव कर रहा है, इंडिया चाइना क्राइसिस. दिस इज़ अबाउट हेराल्डिंग मानसून. हमने डिस्कस किया था इंडिया में जून में मानसून आना चालू हो जाता है, केरला में आता है. सो विल हैव अ लुक हेराल्डिंग मानसून. वर्ल्ड न्यूज़ में विल अगेन टॉक अबाउट चाइना. चाइना पासेस कॉन्ट्रोवर्सियल हांगकॉन्ग लॉ. राइजिंग टाइड सेक्रेटरी पोम्पियो. USA का क्या मैसेज है, यहाँ पे COVID-19 के 1 लाख से ज़्यादा फैटेलिटी हो गई है USA में, और लेटिन अमेरिका भी काफ़ी सफ़र कर रहा है. मीन वाइल WHO ने ये स्टेटमेंट दिया है. बिजनेस सेक्शन में गूगल 5% वोडा आइडिया में स्टेक लेने का ट्राई कर रहा है. मैनी फॉरन कंपनीज आर ट्राइंग टू टेक स्टेक इन दिस इंडियन दिस डोमेस्टिक दिस सेक्टर, लाइक फेसबुक एंड दैट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने जियो में स्टेक सभी लिए हैं. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर कंटिन्यू टू शिमर. ये FDI स्टेटस रहा है इंडिया का 2019 एंड 20 में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स है, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे. देन 15th इज अबाउट असम वेरसिटी डेवलप फंगल पाउडर टू बूस्ट इम्यूनिटी. फ्रूगल इनोवेशन की ये ऑनगोइंग सीरीज में, लास्ट टाइम हमने देखा था ओडिशा में ITI एंड ऑल, अब इन्होंने असम में दिस बोडोलैंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ने ये कुछ नए रिसर्च किए हैं. विल हैव अ लुक. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 35 to 40 minutes. एंड दीज आर सम एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स जो हमें ये पेपर पढ़ने में हेल्प करेगा. फर्स्ट इज अबाउट पायोनियर. पायोनियर मतलब होता है अमंग द फर्स्ट, जो पहले पहले काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पायोनियर. प्लेथोरा का मतलब होता है एबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा है, एक्सेस है. शिमर मीन्स होता है स्पार्कल और शाइन, राइज, शिमर. ट्रूस का मतलब होता है सीज फायर हो गया है, समझौता टाइप कंडीशन है, आर्मस्टाइस हो गया है. इंसेंडियरी का मीनिंग है इनफ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव, बहुत भड़काऊ बातें हैं, दैट इज इंसेंडियरी. रैम्पेज का मतलब है रायट, बर्सक, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, लैपर्ड, रैम्पेज.
हेराल्डिंग का मतलब है इंडिकेट कर रहा है, मॉनसून हेराल्डिंग, दिस इज अनाउंस अराइवल। देन ब्रिंकमैनशिप, ये चाइना अभी कर रहा है, ये एक पॉलिसी होती है टू द लिमिट ऑफ वॉर में, कोल्ड वॉर एरा में भी ये ब्रिंकमैनशिप होती थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच। देन बिलेगर्ड का मतलब होता है अंडर सीज है, हार्ड प्रेस्ड है, दैट इज दिस बिलेगर्ड। ओप्रोब्रियम का मतलब होता है विलिफिकेशन, किसी को अब्यूज करना एंड ऑल, दैट इज ओप्रोब्रियम। जिंगोइस्टिक का मीनिंग है एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म दिखाना, पैट्रियोटिज्म इज गुड बट अगर वो एक्सट्रीम पे चला जाता है दैट इज कॉल्ड दिस जिंगोइस्टिक। देन इम्पेडिमेंट का मतलब होता है हिंड्रेंस है, रुकावट है, ऑब्स्टेकल है। वॉसिफेरसली का मीनिंग है लाउड एंड फोर्सफुल मैनर में कोई बात कहना। गार्ब ऑफ मतलब डिस्गाइज है, डिफरेंट क्लोथिंग में डिफरेंट चीज है, दैट इज गार्ब ऑफ क्लोथिंग। ओके, सो दी लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ टूडेज न्यूज आइटम। यू आर राइटिंग सम वेरी वेरी गुड आंसर, सम ऑफ यू आर वेरी वेरी गुड, बट डू नॉट गेट डिसहार्टन। एवरी डे राइट करने से धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, तो कुछ लोग जो बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, तो डू नॉट गेट डिसहार्टन, यू जस्ट डू योर वर्क, यू राइट योर आंसर एवरी डे। आंसर देखना विद इन 30 डेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी राइटिंग स्किल्स, जस्ट डू इट एवरी डे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, दिस इज दी ओनली ओनली सीक्रेट। ओके, सो वर्किंग विद चाइना टू रिजॉल्व LAC इश्यूज पीसफुली, सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम इसे लिंक कर सकते हैं, फॉरेन रिलेशंस, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, लैंड बॉर्डर बाउंड्री एंड ऑल। कंट्रीज एंगेज्ड हैं वाया डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल में, नो ट्रैक्शन फॉर ट्रंप ऑफर। लास्ट डे हमने देखा था मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑफर दिया था, बट इंडिया एंड चाइना बोथ नो ट्रैक्शन, इसको अभी दे आर नॉट रेडी टू बाय। देन ये ऑन गोइंग सीरीज में फॉर पास्ट वीक हम देख रहे हैं, पास्ट कपल ऑफ डेज में ये इंडिया और चाइना में ये LAC ऐसे यहाँ पे टेंशंस फ्लेयर अप हो रहे हैं। अमिड इम्पास हमने ये भी जाना कि मीनवाइल ये टैक्टिक्स भी हो सकती है चाइना की टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम कोरोना वायरस, नेगेटिव इमेज बनाना, इन्वेस्टर मूविंग इनटू इंडिया और इंटिमिडेट इंडिया इनटू नॉट बिल्डिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन लद्दाख। नाउ अब यहाँ पे एडिंग मसल, इंडियन आर्मी कॉन्वॉय मूविंग टूवर्ड्स दिस जॉर्जिला पास इन द्रास ऑन थर्सडे। तो यहाँ MAEA ने कहा कि इंडिया कमिटेड है टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये हमारी प्रायोरिटी है। इन द बॉर्डर एरिया विद चाइना अवर आर्म फोर्सेज स्क्रप्यूलसली फॉलो द कंसेंसस रीच्ड बाय अवर लीडर्स एंड द गाइडेंस प्रोवाइडेड। हमारी फोर्सेज दे आर प्रोफेशनल फोर्सेज, ये रेडी भी हैं। एट द सेम टाइम वी रिमेन फर्म इन अवर रिजॉल्व टू एंश्योर इंडियाज सोवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी, हम फर्मली डिफेंड करेंगे, गार्ड करेंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है MAEA का, तो हम ये गाइडलाइन फॉलो करेंगे। नाउ सिचुएशन क्या है अभी, स्टेबल है और कंट्रोलेबल है। रिजॉल्व इशू अकॉर्डिंग टू 5 अग्रीमेंट्स जो हुए हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट साइन 1993 एंड 2003, इसके बेसिस पे हम इस बॉर्डर अग्रीमेंट को यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। मीनवाइल इसमें बहुत सारे फेसेट्स हैं, चाइना का जो मूव है इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, चाइना के काफ़ी बड़ा गेम प्लान भी हो सकता है यहाँ पे। चाइना में जितनी जो चाइना की टेक कंपनीज हैं से, वो एक नेशनल इंटेलिजेंस लॉ होता है वहाँ पे, उसके जो सर्टेन आर्टिकल्स हैं वो रेड फ्लैग है वहाँ पे। यहाँ एक आर्टिकल आया है, यहाँ पे लिखा है अनटिल चाइना रिफॉर्म्स, मेड इन चाइना मस्ट बी ट्रीटेड विद एज मच कॉशन एंड प्रिकॉशन एज इंडिया इज ट्रीटिंग द मेड इन चाइना पैंडेमिक। मेड इन चाइना पैंडेमिक और मेड इन चाइना फर्म्स, स्पेशली ये जो टेक कंपनीज है चाइना की, मोबाइल्स इन दिस एप्लीकेशंस एंड ऑल, ये इंडिया को बहुत कॉशियसली यहाँ पे रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5G स्पेक्ट्रम में भी हुवावे एंड ऑल US एंड यूरोप में कई जगह इनको काफ़ी ज़्यादा रेड फ्लैग्स आए हैं यहाँ पे। सो चाइना की दिस नेशनल इंटेलिजेंस लॉ में देर आर सर्टेन आर्टिकल्स जो रेड फ्लैग्स देते हैं कंट्री की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी में। टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, से 5G एंड ऑल, इनको कहा जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो व्हाट आर योर ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस, चाइना का इतना ज़्यादा डोमिनेंस हो रहा है इस टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इंडिया को इसमें कैसे अलर्ट होना चाहिए एंड व्हाट ऑल इंडिया कुड डू टू सेफगार्ड इट्स सोवरेनिटी। ट्राई टू राइट से इन 50 to 100 वर्ड्स। ये ORF ऑनलाइन का यहाँ पे इन्होंने अच्छा आर्टिकल लिखा है, काफ़ी हाईलाइट किया है दिस चाइना की नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, यहाँ हमारा फोकस होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क इन बॉर्डर एरिया टू कंटिन्यू एंड इनफ ट्रूप्स ऑन ग्राउंड है, ये यहाँ पे
इन्होंने फर्दर एमईए ने क्लैरिफाई किया है यहाँ पे. सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़ आइटम. सेकेंड है सेंटर रिव्यू सिचुएशन इन 13 रीजन्स हिट हार्ड बाय वायरस. ये एरियाज जो फोकस में हैं वो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, थाने, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, दिस चेंगलापट्टू एंड दिस तिरुवल्लुवर. यहाँ वायरस का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा है. पीआईबी ने कहा है कि वी नीड टू डू 5 थिंग्स टू विन ओवर कोविड-19. हाइजीन, डिकंटेमिनेशन ऑफ सर्फेसिस, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ट्रैकिंग एंड टेस्टिंग. नोट डाउन दीज 5 कीवर्ड्स एंड यूज इट. हाइजीन, दिस 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 एंड दिस. सो दीज आर इन अवर हैंड्स एज वी वेट अवेट ड्रग्स एंड वैक्सीनेशन, बिकॉज ड्रग्स एंड वैक्सीनेशन में वी आर स्टिल फार अवे. अभी थोड़ा टाइम लगेगा. मीन वाइल यहाँ पे बात है, वी अपील अवर साइंटिस्ट, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस टू शेयर देयर आइडियाज इन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर दिस कोविड-19. ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल ये यहाँ पे ऐसी बात कही थी. अब यहाँ पे हम देखते हैं लॉकडाउन 4.0 है. लॉकडाउन 4.0 इज शेड्यूल टू एंड. गवर्नमेंट इज सीकिंग सजेशंस, बिकॉज गवर्नमेंट के लिए भी ये एक फर्स्ट इन टाइम क्राइसिस है. ऐसा क्राइसिस पहले कभी आया नहीं है. प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी इतने नहीं है. तो गवर्नमेंट इज सीकिंग सजेशंस ओवर लॉकडाउन एंड प्रेजेंट कोविड-19 रिलेटेड सिनेरियो में क्या सजेशंस हो सकते हैं कि अब लॉकडाउन 4.0 भी ओवर हो रहा है, व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे भी पीआईबी में यही बात इन्होंने यहाँ पे किया है. तो ट्राई टू राइट डाउन योर सजेशन से 50 to 100 वर्ड्स कि लॉकडाउन 4.0 के बाद व्हाट नेक्स्ट, अब हमें लाइफ और अपनी कंट्री को कैसे आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, बिकॉज वी कान स्टैगनेंट हम नहीं रह सकते हैं, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड. सो ट्राई टू राइट इन से 50 to 100 वर्ड्स. मीनवाइल इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेज हैं एशिया में, सरपास हो गया है हमने द टैली ऑफ टर्की. तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कीप ऑल्सो दिस इन माइंड. नाउ दिस इज अबाउट हेस्टी फीट. यहाँ पे ये राइनोसोरस है. इंडियन जो राइनो होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस. इसका ये वन हॉर्न होता है. ये ऐसे टू हॉर्न भी होते हैं, दिस इज वन हॉर्न. ये ग्रेट इंडियन राइनो है. ये नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का. ये वल्नरेबल में आता है IUCN रेड लिस्ट में, और पॉपुलेशन इसकी फ्रेगमेंटेड है और अभी इतने एरिया में है. एक टाइम था इनके नंबर्स भी काफ़ी कम हो गए थे, अभी अराउंड 3000 इन नंबर्स हैं. ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है इनकी, ये तराई बेल्ट में रहती है, दिस नेपाल, और ये हिमालय यहाँ पे काजीरंगा इस बेल्ट में. काजीरंगा नेशनल पार्क है, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मिलती है. ये पार्क में अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी आ रही है, बिकॉज इकोसिस्टम का भी एक कैरिंग कैपेसिटी होता है कि मैक्सिमम स्पीशीज को वो होल्ड कर सके, प्रोवाइड कर सके. तो बिकॉज नंबर ऑफ राइनो आर इंक्रीजिंग, तो कैरिंग कैपेसिटी फुल हो रही है काजीरंगा नेशनल पार्क की. कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, तो दैट इज़ अगेन अ रिस्क. जैसे गुजरात में हमने सारे लायंस एक जगह रख दिए हैं, तो इससे अगर कोई पैंडेमिक आता है तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क में है. सेम हम कह सकते हैं इस राइनो की भी, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में है. तो काजीरंगा और पाबीतोरा जो पार्क है, वहाँ से मानस में रीलोकेशन चल रहा है, और इसको बोल रहे हैं इंडिया राइनो विजन 2020. ये जो राइनोज हैं ये रिवराइन फ्लड प्लेन में रहते हैं, समथिंग लाइक दिस. ये प्रेफर करते हैं हैबिटेट ग्रेजर्स हैं ये. अब स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लिए हैं कंजर्वेशन में, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं. पहला स्टेप हमने देखा इंडियन राइनो मिशन 2020. इसके अलावा रीस्टोर करना है लैंडस्केप, बिकॉज हैबिटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वर्किंग विद लोकल्स इज असेंशियल, रिड्यूसिंग इलीगल ट्रेड इज असेंशियल, मॉनिटरिंग इज असेंशियल, सेंसस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे टाइगर सेंसस हमने देखा था, ऐसे राइनो सेंसस इज इम्पॉर्टेंट. री इन्फोर्सिंग द लॉ एनफोर्समेंट इज अगेन क्रूशल. तो ये स्टेप्स हैं जो हम कंजर्वेशन में ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब रीजंस क्या है बिहाइंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. स्पोर्ट्स हंटिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है. पोचिंग इज अगेन वन रीज़न. ये जो राइनो का हॉर्न होता है इसके लिए इसकी पोचिंग होती है. हैबिटेट लॉस है, ह्यूमन राइनो कॉन्फ्लिक्ट है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम है. तो ये सारे रीजंस हैं जो राइनो पॉपुलेशन अभी फेस कर रही है. अब एज एन इंडिविजुअल हाउ कैन यू बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन टू दिस कंजर्व राइनो. ऑल वी कैन डू इज हम ये बहुत छोटे स्टेप्स भी इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं. एंगेज विद कंजर्वेशन कमिटी. आप किसी नेशनल पार्क में विजिट करो, नॉट नाउ, लेटर. नो टू एनिमल प्रोडक्ट इलीगल. ये एनिमल प्रोडक्ट है, इनके यूजेज को हमें बैन करना चाहिए, इलीगल प्रोडक्ट्स एंड ऑल. वाइल्ड लाइफ जो है
पार्ट्स हैं एनिमल के, उनको भी स्टॉप करना है ट्रेडिंग एंड ऑल में. हम ट्रैफिक जैसी इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ते हैं. वी नीड टू लर्न रिस्क टू वाइल्ड लाइफ क्या होती है, स्प्रेड अवेयरनेस करें और लोगों को इंस्पायर करें दिस कंजर्वेशन एंड ऑल थिंग में. तो इंडिविजुअल लेवल में ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट हेस्टी फीट इंडियन राइनो. नाउ नेक्स्ट इज दिस ट्रेड कंजम्पशन ऑफ लिकर नॉट अ फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट ने कहा हाई कोर्ट में. ये एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ डेवलपमेंट है. स्टेट्स का फिस्कल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुआ है, ट्रिपल वैमी है. ट्रिपल वैमी मीन्स एक तो लॉकडाउन के कारण फॉल इन रेगुलर रेवेन्यू हुआ, पैसे आना बंद हो गए. सेकेंड, जो रेगुलर एक्सपेंडिचर्स थे वो एज इट इज़ हैं, तो खर्चा तो हो रहा है. थर्ड, एक नया एक्सपेंडिचर आ गया COVID-19 पे, तो स्टेट्स ये ट्रिपल वैमी फेस कर रहे हैं और इनके जो रेवेन्यू है दैट इज़ नोज डाइव हो गया है वहाँ पे. अब रेवेन्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, वो होता है लिकर, स्टेट सब्जेक्ट. इसमें ये टैक्सेशन एंड ऑल लगाते हैं. ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है किसी भी स्टेट के लिए. तो स्टेट ने रेवेन्यू एंड ऑल जनरेट करने के लिए दिल्ली में इन्होंने लगा दिया स्पेशल कोरोना फीस, 70% ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने रेट. इस बात पे चैलेंज हुआ कोर्ट में, बट कोर्ट में गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये जो लिकर कंजम्पशन है, ट्रेड है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है. सो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज दिस स्पेशल कोरोना फी, ऐसा गवर्नमेंट की पूरी यहाँ पे विद इन द एम्बिट ऑफ गवर्नमेंट है ये. सो गवर्नमेंट कैन डू दिस. नाउ दिस इज नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वोट अगेंस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन. दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड कि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. इंडिया में डिजिटल डिवाइड इज़ अ रियलिटी. देन दिस इज़ द फिफ्थ वन, दिस इज़ अबाउट लॉक्यूस्ट अटैक. लॉक्यूस्ट अटैक ये ऐसे टिड्डे होते हैं, ये टिड्डे होते हैं डेजर्ट लॉक्यूस्ट होते हैं, ग्रास ओपर अटैक क्रॉप को विद इन अ डे ये डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं. FAO ने वार्निंग दिया था. इनका ओरिजिन हमने देखा कैसे ये अफ्रीका से ओरिजिन होते हैं, अरेबिया जाते हैं, देन ईरान पाकिस्तान होते हुए इंडिया के वेस्टर्न स्टेट्स पे इनका यूजुअली अटैक होता है. इस बार बहुत ज़्यादा लॉक्यूस्ट का ब्रीडिंग हुआ है और काफ़ी बड़ा स्केल पे ये अटैक होने वाला है. हमने जोधपुर में जो लॉक्यूस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भी रिपोर्ट्स हमने यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दिस 28 मई को, ये 23 मई को और ये 21 मई को हमने डिस्कस किया. वी आर कम्प्लीटली फॉलोइंग दिस टॉपिक, कोविड-19 एंड दिस लॉक्यूस्ट अटैक बोथ. नाउ स्प्रे पेस्टिसाइड टू डील विद पॉसिबल लॉक्यूस्ट अटैक, ऐसा यहाँ पे सजेशन है. नो ओनली एग्रीकल्चर बट ऑल्सो द हॉर्टिकल्चर भी यहाँ पे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है. हॉर्टिकल्चर मीन्स क्रॉप्स, वेजिटेशन, प्लांट्स, गार्डन्स, ऑर्चर्ड्स, ये सारे भी अफेक्टेड हुए हैं. ये जो स्वॉर्म है इसकी फाइंडिंग ये है कि ये फ्लाई करते हैं डे टाइम पे और रेस्ट करते हैं ड्यूरिंग नाइट में. सो वी शुड नॉट प्रोवाइड देम दिस रेस्टिंग टाइम. ये इस तरीके से इनका अटैक होता है, विटनेसिंग अ मैसिव लॉक्यूस्ट अटैक. मीनवाइल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम परमिशन दे रहे हैं एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को कि वो ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं सर्वेलांस के लिए, एरियल फोटोग्राफी के लिए, पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए और स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स के लिए भी. ये इंसेक्टिसाइड्स में ये प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी, दे आर नॉट टू बी फ्लोन ओवर इको सेंसिटिव जोन इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सो स्टेट अपनी तरफ से इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइट विद दिस लोकस्ट अटैक. नाउ दिस इज पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4 है, ये पेज नंबर 5 है, दिस इज़ पेज नंबर 5. नाउ दिस इज़ एडिटोरियल सेक्शन. फर्स्ट एडिटोरियल है एक्सपोर्ट ब्लॉक्स. एक्सपोर्ट ब्लॉक्स, इंडिया मस्ट नॉट मिस आउट ऑन द राइज इन वर्ल्ड ट्रेड ऑन द बैक ऑफ स्टिमुलस पैकेज. स्टिमुलस पैकेज सेल्फ रिलायंट इंडिया में हमने बात किया कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है और बट एट द सेम टाइम हम ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट भी नहीं है. तो वॉट हियर इट इज़ रिटन इज़ कि इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आएंगी इसको भी मिस आउट नहीं करना है. 5 ट्रांश का जो पैकेज है इसने सैलवेज द इकोनॉमी के लिए था इन द थ्रोज ऑफ पैंडमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन के कारण. तो इसमें रिलीफ भी आया और सम रिफॉर्म्स भी आए. ऑफिशियल डेटा जो आया है अभी अप्रैल का, ये ग्रिमेस्ट इन ओवर 2 decades है इस एक्सपोर्ट एंड ऑल का. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है ये कोलैप्स हुआ है बाय ओवर 60%. आयरन ओर और फार्माक्यूटिकल में केवल पॉजिटिव ग्रोथ है बट दिस इज़ नॉट सफिशियंट.
ग्लोबल ऑयल प्राइस स्लंप हुआ है तो इससे क्या होता है, इंडिया में रिफाइनरीज बहुत ज़्यादा है, रिफाइनरीज से हम फिर इनका रिफाइंड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इनका एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अगर स्लंप हुई है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल है इसका एक्सपोर्ट हाई वॉल्यूम के होने के बाद भी यहाँ ज़्यादा गेन नहीं है। लॉकडाउन के कारण डेंटेड डिमांड है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन और जो शिपिंग रूट्स हैं ये भी इम्पैक्टेड हैं। रिफॉर्म्स और रिलीफ पैकेज है मोर टू एक्सपोर्ट सेक्टर इज़ नाउ रिक्वायर्ड, कि एक्सपोर्ट सेक्टर को हम इग्नोर नहीं करें। जैसे वॉर फुटिंग में हमने एग्रीकल्चर का ध्यान दिया, MSME का ध्यान दिया, ऐसी एक्सपोर्ट सेक्टर ऑल्सो नीड्स अटेंशन। की एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग होता है यहाँ पे और ये बुलवर्क है, बुलवर्क मतलब ये ऐसे फेंसिंग है जो प्रोटेक्शन करके रखता है इन इनसाइड को। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोलते हैं कैग इज़ अ बुलवर्क, देन UPSC इज़ अ बुलवर्क कॉम्पिटिशन एंड ऑल का, तो ये बुलवर्क है, ये बुलवर्क है, इसने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है कंट्री की इकोनॉमी में पोस्ट लिबरलाइजेशन। तो वी शुड नॉट इग्नोर एक्सपोर्ट सेक्टर। अब यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स अभी नए बनते जा रहे हैं। ट्रेड बैरियर्स क्या हैं कि ज़्यादातर कंट्री पोस्ट COVID-19 में इनवर्ड लुकिंग हो रहे हैं, एक्सपोर्ट पे वो डिपेंडेंसी, इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग टेंडेंसी है टू लुक इनवर्ड फॉर एसेंशियल सप्लाइज। तो वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू हेज चाइना डिपेंडेंट सप्लाई चेन को, बिकॉज चाइना में ऐसे एलिजेशंस लगे हैं चाइना में कि चाइना ने अभी COVID-19 में काफ़ी ज़्यादा सप्लाईज एंड ऑल को एक्सपोर्ट को एज अ वेपन यूज़ किया है यहाँ पे। सो वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू हेज दिस चाइना डिपेंडेंट सप्लाई चेन और ये इंडिया के एडवांटेज में भी हो सकता है। सो वी नीड टू एम्फेसाइज दिस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेक्टर को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये ब्लॉकेजेस जो भी हैं इसको रिमूव करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नाउ दिस इज़ अ ब्रूइंग स्टॉर्म, स्टॉर्म बन रहा है अभी, ब्रूइंग कॉफी लाइक ब्रूइंग स्टॉर्म। ट्विटर डिड वेल टू कॉल आउट ट्रम्प बट फेक न्यूज़ इज एन इको सिस्टम बाई इट सेल्फ। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प इज़ वेरी एक्टिव इन ट्विटर, इन्होंने एक ट्वीट किया वो फैक्चुअली रॉन्ग था, ट्विटर ने कॉल आउट किया और बोला कि ये ट्रम्प ने रॉन्ग किया है। रिटेलिएशन में ट्रम्प ने कहा मैं पूरे ट्विटर को ही बंद कर दूंगा। सो डिसेंट्रलाइज्ड एंड अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, जैसे ये डिजिटल में है, फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम एंड ऑल। कई बार क्या होता है यहाँ पे मिसयूज होता है सोशल मीडिया का, स्प्रेड किया जाता है फॉल्सहुड को और ये ऐसे तरीके से बनाया जाता है कि इससे वायलेंस हो, भड़काऊ चीज़ें होती हैं और सोसाइटी का पीस डिस्टर्ब होता है इससे। इस पे कंटेंट रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होता है, बट कंटेंट रेगुलेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज इंडिविजुअली यू कैन नॉट ब्लॉक और यू कैन नॉट स्क्रूटिनाइज ईच एंड एवरी पोस्ट दैट कम टू दिस सोशल मीडिया। सो बट वी नीड टू डू समथिंग। ये जो करेंट कॉन्फ्लिक्ट है प्रेसिडेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये केवल एक पार्ट है, जो असली बैटल है वो बहुत वाइडर है। नेचर ऑफ लार्ज टेक कंपनीज़ कैसी होगी, बिग टेक कंपनीज़ हैं जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये अक्सर क्या करते हैं, मोनोपोली करते हैं। ये कंसर्न्स ऑफ प्राइवेसी होता है, डेटा मिसयूज होता है, पॉलिटिकल बायस होता है, मोनोपोली बिहेवियर होता है, टैक्स अवॉइडेंस इज देयर एंड नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो देयर। नोट डाउन दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ें अभी वर्ल्ड पूरे ग्लोबल लेवल पे फेस हो रहा है। यस्टरडे हमने देखा था गूगल के साथ एंटी मिसट्रस्ट का यहाँ पे बात आया था, इंडिया में ये केस राइज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस गूगल पे एंड मोनोपोली इन एंड्रॉयड एंड ऑल। सो ये अभी बहुत ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है कि इन बिग टेक कंपनीज़ को कैसे रीन इन करें। कॉम्प्लिकेशंस नीड टू बी रीन इन। जैसे फेसबुक एक डिजिटल करेंसी ला रहा है लिब्रा, इस पे भी सोवरेनिटी कंसर्न्स उठाए हैं बहुत सारे नेशंस ने, तो ये टेक कंपनीज़ को रीन इन करना अभी प्रायोरिटी दिख रहा है। कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट ईयर ही हमने देखा था कैम्ब्रिज एनालिटिका कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। इसमें क्या हुआ था, कैम्ब्रिज एनालिटिका पे ये चार्जेस थे कि इसने जो ब्रेग्जिट एंड ऑल है, इलेक्शंस जो होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसको मैनुपलेट करने की कोशिश किया था। सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ऐसा अक्सर होता है सोशल मीडिया में। नाउ एक जो बात आती है वो आती है फेक न्यूज़ की। फेक न्यूज़ का मतलब होता है ये फॉर्म ऑफ न्यूज़ है डेलिबरेट डिस इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर डिस इन्फॉर्मेशन डेलिबरेट नहीं है दैट इज़ ओके, बट जानबूझ के अगर कैंपेन के थ्रू डिस इन्फॉर्मेशन चलाई जा रही है दैट इज़ फेक न्यूज़। हॉक्सेज होते हैं स्प्रेड वायर ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया और ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसे आप देखना भड़काऊ चीज़ें यहाँ पे बात करते हैं ये। डिजिटल न्यूज़ हैज़ ब्रॉड बैक एंड इंक्रीज द यूजेज ऑफ दिस फेक न्यूज़, और ये येलो जर्नलिज्म भी आ जाता है, ये अभी बड़ा हॉट और न्यूज़ में टॉपिक है, यू शुड हैव एन ओपिनियन ऑन दिस। सो यहाँ पे जैसे PIB फैक्ट चेक भी गवर्नमेंट लेके आई है, इसका काम क्या है कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको ये रिमूव करें। सो दिस फेक न्यूज़ इज़ अ वेरी बिग वायरस, एज बिग एज COVID-19।
you should have one opinion on this fake news. So try to write your opinion, say 50 to 100 words, ये fake news क्या है और इस fake news को हम कैसे counter करें, इस culture को हम कैसे suppress करें. जैसे PIB fact check है, ऐसे और क्या measures हो सकते हैं कि हम इस fake news के menace को कम करें. So ये जो Mr. Trump and Twitter जो controversy है, ये just a part of a very very big game which we need to understand. A brewing storm. Now this is about for a reset in Nepal-India relations. यहाँ हम बात करेंगे इंडिया एंड नेपाल में. अभी रिसेंटली एक लिंक रोड इनॉग्रेशन हुआ BRO का, देन काला पानी इशू आया. वी हैव टॉक दिस इन से 24th ऑफ मे में हमने ये सारा डिस्कस किया था कि काला पानी इशू में नेपाल ने ऑब्जेक्शंस उठाए. ट्रीटी ऑफ सगोली है, इसमें अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज की डिफरेंट है. हमने ये भी समझा कि हमें इंडिया और नेपाल में काफ़ी क्लोज और हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, सो वी डोंट नीड टू सवर अवर रिलेशन. हमें ख़राब नहीं करने अपने रिलेशन. यहाँ बात लिखा है द अर्जेंट नीड टुडे इज टू पॉज द रेटोरिक ऑन टेरिटोरियल नेशनलिज्म एंड ले द ग्राउंड वर्क फॉर दिस क्वाइट डिप्लोमेसी. ये भी एक बहुत बड़ा मेनेस है फेक न्यूज़ का और दिस सोशल मीडिया का. यह ऐसी विट्रियोलिक बातें होती है कि इससे अक्सर इंटरनेशनल रिलेशंस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. हमें पॉज करना चाहिए रेटोरिक से, टेरिटोरियल नेशनलिज्म से एंड ले द ग्राउंड वर्क फॉर अ क्वाइट डिप्लोमेसी का डायलॉग का. हमें उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. इंडिया नेपाल के जो रिलेशंस हैं हैव टेकन अ टर्न फॉर द वर्स. इमीडिएट प्रोवोकेशन क्या था? काला पानी का टेरिटोरियल इशू. ये क्लोज टू लिपु लेक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अभी हमने यहाँ पे एक रोड बनाया था. रेजिंग द बैनर ऑफ नेपालीज नेशनलिज्म अगेंस्ट इंडिया. अब नेपाल में भी ऐसा है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वीकनिंग डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो दे आर ट्राइंग टू जंप इनटू दिस नेशनलिज्म एंड ऑल. तो ये एक बैनर उठा रहे हैं नेपालीज नेशनलिज्म का, लोगों को यूनाइट एंड दिस अपने फेवर में लाने के लिए अगेंस्ट इंडिया यहाँ पे ऐसे यूज है. द ब्रीफ अकाउंट इलस्ट्रेट्स कॉम्प्लेक्सिटी अंडरलाइंग इंडिया नेपाल इशू में है. ये रेटोरिक या यूनिलेटरल मैप मेकिंग एक्सरसाइज से ये बिल्कुल सॉल्व नहीं होने वाली है. ये जो ब्रिंकमैनशिप होती है इससे केवल मिस्ट्रस्ट आता है, इरोड होता है गुडविल भी, और जो पीपल टू पीपल लेवल पे है ये रिलेशंस खराब होते हैं. तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी इज वाई सो मच नीडेड टू फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस दैट कैन बी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल. समटाइम्स जो कुछ चीज़ें होती हैं, कल हमने NCERT में भी देखा था, एक्सपर्ट्स पे बिलीव करना चाहिए. और ये जो सोशल मीडिया से ओपिनियन मेकिंग एंड ओपिनियन फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वी नीड टू थोड़ा उसमें केयरफुल रहना चाहिए. नेपाल में इंडिया और नेपाल के फ्रिक्शन पॉइंट में से उनके कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन पे हमारे डिफरेंसेस थोड़े आ गए थे. फिर एक ब्लॉकेट का इशू हुआ था. एक बहुत बड़ा और ये पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ चाइना का फुटप्रिंट नेपाल में इंक्रीज होता जा रहा है. इंडिया की हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है, बट इससे कॉन्सिक्वेंसेज भी क्या हुए. हमने 1950 में जैसे ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप रखा, ओपन बॉर्डर रखा और नेपालीज को राइट टू वर्क है इंडिया में आने का. बट नेपालीज को ऐसा लगता है कि दिस इज साइन ऑफ अनइक्वल फ्रेंडशिप, इक्वालिटी पे बेसिस नहीं है. तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए स्पेशल रिलेशनशिप के कि बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन टू एंकर इट्स टाइज विद नेपाल. हिस्टोरिकली हम ऐसा मानते आए हैं कि हमारा कल्चर स्ट्रॉन्ग है, देन रोटी बेटी का रिश्ता है, रिलीजन है एंड ऑल, यहाँ पे हमारे क्लोज टाइज है. बट अभी यहाँ पे ऐसा नेगेटिव कॉनोटेशन आ रहा है कि ये थोड़ा पटर्नलिस्टिक हो रहा है इंडिया, ऑफन इनसेंसिटिव है, वर्ज है. तो इंडिया वहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि बिग एल्डर ब्रदर के बजाय वो बिग ब्रदर बन रहा है, और बिग ब्रदर थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन होता है इसका, बुली यहाँ पे समझा जाता है. तो वहाँ पे सेंटिमेंट्स हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल गेन्स इस सेंटिमेंट्स को हाइपर नेशनलिज्म में कन्वर्ट किया जा रहा है. एंड देन दिस एंगल इज ऑल्सो देयर. सो वॉट वी नीड टू डू नाउ इज वी नीड टू हैव सम सेन वॉइसेज. हम डिप्लोमेट्स के भी आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, वॉट दे आर सजेस्टिंग, वी नीड टू बी हैविंग सम सेन, एंड दिस सेन वॉइस की ज़रूरत है. वी नीड टू पॉज दिस रेटोरिक टेरिटोरियल नेशनलिज्म एंड ऑल, और डिस्प्ले करने की ज़रूरत है मैच्योरिटी की, बिकॉज इंडिया एंड नेपाल के काफ़ी क्लोज टाइज हैं. वी नीड नॉट टू, इसको इरोड नहीं करना चाहिए, ये वाइज थिंग होगी यहाँ पे. देन ये आर्टिकल है फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ टू अ स्टेल मेट. ये बात है LSE, अगेन वी हैव डिस्कस्ड इट इन ग्रेट डिटेल. वाइल द फ्लेयर अप इन लद्दाख इज लाइकली टू बी रिजॉल्व पीसफुली, देयर मे बी इंक्रीज डिप्लॉयमेंट अलॉन्ग द LSE. इसके भी अगेन कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं. इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है दौलत बेग ऑल्डी में जो हमने बनाया, ये इमीडिएट ट्रिगर बताया जा रहा है रीजन ऑफ दिस स्टैंड ऑफ का.
चाइना को ये लगता है कि वहाँ पे स्टेटस क्वो चेंज हो रहा है दिस एलएसी में. व्हाई? बिकॉज ट्रेडिशनली चाइना यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग है, बट अब इंडिया भी कैचअप कर रहा है. दिस डुरबुक श्योक रोड है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी फॉर 15 ईयर्स, बट जैसे ही ये टूवर्ड्स कंप्लीशन आया चाइना ने यहाँ पे अलार्म रेज किया है. लोकल कमांडर्स यूजुअली होते हैं, वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते रहते हैं इंडिया साइड से भी और चाइना साइड से भी, तो जो टेंशन होता है वो लोकल कमांडर लेवल पे ही रिजॉल्व हो जाते हैं. चाइना यहाँ पे अपनी लाइंस चेंज कर रहा है, चाइना का नेचर चेंज हो रहा है, सर्ज इन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे. बॉर्डर पीस और ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट है 1993 का, ये लिमिट करता है कि इंडिया और चाइना दोनों नंबर ऑफ ट्रूप्स कितनी डिप्लॉय करेंगे एलएसी में, ताकि यहाँ पे सस्पिशन और ये थ्रेटफुल नहीं लगे अदर कंट्री को. स्टैंड ऑफ जो है ये लाइकली टू बी रिजॉल्व है पीसफुली, जैसे डोकलाम हुआ था ऐसे ये भी पीसफुली रिजॉल्व हो जाना चाहिए. बट ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है उससे क्या होता है, इरोजन ऑफ ट्रस्ट होता है, अग्रीमेंट्स बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं. ट्रस्ट इन अग्रीमेंट्स लाइकली, ये जो इरोजन ऑफ ट्रस्ट है ये दैट इज़ नॉट गुड. तो ये यहाँ पे इन्होंने अगेन सेम वॉइस में ये एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है. नाउ दिस इज पेज नंबर 7. कैन इंडिया वर्क फोर्स हैव अ सेफ रिटर्न टू बिजनेस पोस्ट कोविड-19 में हम बैक टू नॉर्मलसी होगा या नहीं होगा. द गोल शुड बी टू फ्लैटन द मोर्टैलिटी. अभी तो पहली प्रायोरिटी है कि ये जो गोल नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं बहुत रैपिडली इसको स्टॉप करें और जो मोर्टैलिटी है डेथ है उसको कर्व को फ्लैटन करें, नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो. अभी जो आइडिया है वो है टू रीस्टार्ट नॉर्मल लाइफ, बट एट द सेम टाइम मिटिगेट करना है, एलिवेट करना है, कम करना है प्रॉब्लम ऑफ दिस पैंडेमिक टू. यहाँ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वर्क में वो ये है कि से मैनी ऑफ माइग्रेंट वर्कर अभी अपने होम रिटर्न हो गए हैं. अभी ये होम जा ही रहे हैं, ये वापस कब आएंगे. मोबिलिटी बहुत एसेंशियल हो जाती है इकोनॉमी में, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल. सो हाउ कैन वी प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट इन द फ्यूचर, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हैं. नाउ दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल. ये आर्टिकल में लिखा है बीजिंग का लद्दाख ब्रिंकमैनशिप, एक्सेप्शनल आर्टिकल. यहाँ पे लिखा है इन्होंने चाइना इज़ इंक्रीजिंगली फीलिंग बिलेगर्ड. चाइना को ऐसा लग रहा है वो थोड़ा कॉर्नर भी हो रहा है और उसका स्ट्रेंथ यहाँ पे वीक भी हो रहा है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये इतना एग्रेसिवली एक्ट करने की कोशिश कर रहा है. उसके काफ़ी गोल हैं, जो चाइना का एलएसी जो मूवमेंट है इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इसको पूरी बड़ी पिक्चर में देखना चाहिए, तो समझ में आएगा चाइना यहाँ पे ऐसे क्यों एलएसी में कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू चाइना, विद रेस्पेक्ट टू यूएसए, साउथ चाइना सी, दिस एशियन कंट्रीज़, रशिया. इस पूरे पिक्चर में हमें चाइना का ये मूवमेंट देखना चाहिए. एक्सटर्नल एडवेंचरिज्म है व्हेन क्लोक्ड इन द गार्ब ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म. चाइना में भी ये टैक्टिक अपना रहे हैं, वहाँ नेशनलिज्म जिंगोइज्म बिहेवियर है और इसके बिहाफ में वो एक्सटर्नल एडवेंचरिज्म कर रहे हैं. दिस कैन शोर अप द रिजीम्स लेजिटिमेसी एट होम, बिकॉज कोविड 19 में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी फ्लॉप शो रहा है, वहाँ पे इकोनॉमी प्लमेट हो रही है, तो इसको कवर अप करने के लिए दे आर ट्राइंग टू डू दिस. डाइवर्जनरी मेजर है टू एस्केप इंटरनेशनल ओप्रोब्रियम, बिकॉज अभी WHO से भी हम इंडिपेंडेंट जांच की बात कर रहे हैं, इंडिया कंटिन्यूसली US इंडिया इस पर प्रेशराइज कर रहे हैं, तो COVID-19 का कवर अप भी अगेन दे आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग इसमें फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. जिंगोइस्टिक जार्गन्स आते हैं, हाइपर नेशनलिज्म, प्रिपेयर फॉर वॉर, जैसे शी जिनपिंग ने अभी एड्रेस करके कहा था कि प्रिपेयर फॉर वॉर, डोमेस्टिक सपोर्ट इससे इंक्रीज हो जाता है ऐसे लीडर्स का. बायलेटरल टाइज है विद द USA थ्रेटेंड है फॉर पास्ट सम ईयर, एस्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ट्रेड टाइज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हिट हुआ है. और अभी हांगकॉन्ग की ऑटोनॉमी में भी अगेन USA एंड चाइना दोनों यहाँ पे लॉगरहेड्स में हैं. सो टेंशन ओवर ताइवान भी है, तो US एंड चाइना रिलेशनशिप यहाँ पे अगेन नोजडाइव हो रहा है. US की राइवलरी भी है साउथ चाइना सी में, एंड साउथ चाइना सी अगेन वी कवर्ड कि साउथ चाइना सी में जो चाइना है वो इतना अग्रेसिव हो रहा है और इससे फिलीपींस, दिस इंडोनेशिया एंड दिस वियतनाम, दे आर ऑल हैविंग ट्रबल. अब इसमें जो इंडिया चाइना क्राइसिस है तो दैट इज़ वाई हमको इसे आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, पूरी टोटैलिटी में देखना चाहिए कि चाइना का गेम प्लान क्या है. इट इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट. अगेन लद्दाख ब्रिंकमैनशिप, वेरी गुड आर्टिकल. नाउ दिस इज़ पेज नंबर 8. केरला में फिर से एक नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं. दिस इज़ हेराल्डिंग मानसून. हेराल्डिंग मानसून मतलब मानसून का अराइवल होने वाला है, इंडिकेटर है. फॉर्चुनेटली इस बार नॉर्मल मानसून होगा, टाइमली अराइवल होगा और ये बहुत बड़ा बिग रिलीफ है यहाँ पे.
हमने ये बहुत अच्छे से देखा था 16 मई के न्यूज़पेपर में कि इंडिया में मॉनसून कैसे आता है। यहाँ पे 1 जून में आता है, फिर ग्रेजुअली ऐसे ये आगे बढ़ता है। ये जो होती है ये अरेबियन सी ब्रांच होती है और यहाँ से आती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। गुड मॉनसून हार्बिंजर है प्रॉस्पेरिटी का, बिकॉज इंडिया में डिले और डेफिसिट नहीं होना चाहिए। रेनफेड एग्रीकल्चर है तो मॉनसून इज़ द ओनली गॉड इन इंडिया। हमने इसका ओरिजिन मौसम कैसे होता है, फिर इसकी कुछ थ्योरीज भी हमने देखा था, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, शिफ्ट ऑफ ITCG, तिब्बतन प्लेटू, जेट स्ट्रीम्स, इंडियन ओशन डायपोल, ला नीना, अल नीनो, साइक्लोन डेवलप बे ऑफ बंगाल एंड ऑल। हैव अ लुक। तो ये अच्छी बात है कि मॉनसून टाइमली आ रहा है। नाउ दिस इज लैपर्ड ऑन रैम्पेज, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज पेज नंबर 9, ये पेज नंबर 10 है। नाउ यहाँ पे अगेन कंट्रोलिंग लॉक्यूस्ट, ये लॉक्यूस्ट अटैक, ये ऐसे अचानक आते हैं और पूरा फसल इससे ख़राब हो जाता है। सो दे आर ट्राइंग टू ड्राइव अवे स्वॉर्म ऑफ लॉक्यूस्ट मैंगो ट्री इन जयपुर। देन दिस इज शोकेज, दिस इज अगेन शोकेज, और ये है वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में फर्स्ट है दिस इज हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग भी यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दिस कि हांगकॉन्ग में ये कैसे, ये जो नया लॉ आ रहा है नेशनल सिक्योरिटी बिल जो चाइना लेके आ रहा है, इससे ये ज़्यादा अपना अथॉरिटी इम्पोज करना चाहता है हांगकॉन्ग में। हांगकॉन्ग में वन कंट्री टू सिस्टम चलता है, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। चाइना यहाँ पे ज़्यादा अपना से चाहता है। 1997 हांगकॉन्ग हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी की बात हुआ था, यूके लेफ्ट हुआ था, फर्स्ट ओपियम वॉर एंड ऑल, यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दिस। नाउ चाइना ने ये पास कर दिया है कॉन्ट्रोवर्सियल हांगकॉन्ग लॉ, ये एम्पावर करेगा बीजिंग टू ड्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर द सिटी, और इससे वहाँ पे ऑटोनॉमी कम होगी। सो दैट इज़ वाई सेक्रेटरी पोम्पियो ऑफ यूएस ने कहा कि कांग्रेस को कहा कि हांगकॉन्ग इज़ नो लॉन्गर ऑटोनोमस फ्रॉम चाइना गिवन फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। सो यूएसए यहाँ से इसको जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिले थे वो भी विड्रॉ कर रहा है। प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स स्लैम द मूव। सो अगेन दिस इज ऑनगोइंग न्यूज़, हमने इसे कल भी देखा था, विल सी इट अगेन। ऐसे अगर अपन ग्रेजुअली कोई चीज़ें पढ़ते हैं ना तो उसका रिटेंशन ज़्यादा होता है और अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होलिस्टिक वे में वो चीज़ें समझ में आती है। सो ये हमने कल देखा, आज फिर देखा, अगेन विल फॉलो अप दिस न्यूज़। नाउ मीनवाइल यूएसए में वायरस टॉल क्रॉस हो गया है 1 लाख, पैंडेमिक रिप्स लेटिन अमेरिका भी बहुत ज़्यादा है, साउथ अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ट्रंप मीनवाइल ऑर्डर्स टू लार्जेस्ट दिस टारगेट सोशल मीडिया, हमने अभी बात किया ट्विटर को टारगेट कर रहे हैं। WHO meanwhile कह रही है डो नॉट स्लैश हेल्थ स्पेंडिंग, दिस इज़ नॉट टू कट द स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज में जो स्पेंडिंग है ये कॉस्ट नहीं है, ये है एक इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में दिस इज गूगल आइंग 5% वोडा आइडिया स्टेक। ये जितने टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, AGR हमने इसका पढ़ा था, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, रेवेन्यू अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसमें अक्सर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। गूगल ने अभी 5% वोडा आइडिया स्टेक में अभी ट्राई कर रहा है। इससे पहले फेसबुक था, उसने जियो में स्टेक्स लिए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स एंड ऑल ने करीब 10 बिलियन के। तो ये इन्वेस्टमेंट अभी एक नया डायरेक्शन अभी हो रहा है, विल अगेन रीविजिट किए वोडाफोन आइडिया, देन दिस फेसबुक एंड ऑल, देन गूगल, ये सारे स्टेक्स ले रहे हैं इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स में। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कॉन्टिन्यू टू शिमर, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे राइज हुआ। ये राइज हुआ मतलब क्या हुआ, दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ क्या लगाता है, बुल लगाता है। सो बुल मतलब सेंसेक्स इज गोइंग अप, और बियर क्या करता है, स्क्रैच करता है। तो जब बियर का रैम्पेज है मतलब सेंसेक्स ऐसे फॉल हो रहा है। सो दिस इज बुल वर्सेस बियर, यहाँ पे कॉम्पिटिशन चलता है सेंसेक्स में। ये न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट डेटा ऑफ FDI का डेटा। सी यहाँ पे बताया 2019-20 का जो डेटा है, तो FDI इस साल में करीब 13% बढ़ा है और 50 बिलियन टच हो गया है। इससे पहले 44 था लास्ट सेशन में। हाईएस्ट फ्लो जो हुआ है वो सर्विसेज में हुआ है। मैक्सिमम फॉरेन फ्लो में ये जो आया है, सिंगापुर ने इसे टॉप सोर्स किया है नेशन। 14.67 बिलियन सिंगापुर से इंडिया में आया था। इट वॉज फॉलोड बाय दिस मॉरिशस से आया, नीदरलैंड, USA, केमैन आइलैंड, जापान, फ्रांस। ये यू शुड नो कि इंडिया में FDI कहाँ से आ रही है, FDI कितना आया ईयर में, और ये कुछ टॉप कंट्रीज़ हैं FDI जहाँ से आ रही है। FDI इज़ इम्पॉर्टेंट एज द कंट्री रिक्वायर मेजर इन्वेस्टमेंट। FDI एंड FPI हमने पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो इससे टेक्नोलॉजी आती है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है ये, और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा होता है। सो हम FDI को ज़्यादा प्रिफर करते हैं ओवर दिस इक्विटी FPI एंड ऑल। नाउ
मैक्सिमम जो फॉरेन फ्लो आया है वो कहाँ पे आया है? इंक्लूडेड सर्विसेज सेक्टर हमारा डोमिनेंट है. हम इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं ना एनसीईआरटी की, बहुत डिटेल में हमने कल पढ़ा था, चैप्टर 1 एंड 2 वी हैव कवर्ड कि सर्विसेज सेक्टर अब ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, 1991 के बाद काफ़ी चेंज होगा. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आया है, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल. बहुत अच्छा ये न्यूज़ टैम्पलेट है, इसको नोटेड डाउन एंड यूज़ इट वेर एवर यू, ऐसा फिट होता है इसको तुरंत यूज़ करना है वहाँ पे आंसर राइटिंग एंड ऑल में. सो ये एफडीआई का यहाँ पे परसेंटेज है यहाँ पे जो इंडिया में आया, और ये डेटा हमें दिया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT डेटा शूट. सो दिस इज़ अ रिलायबल डेटा. सो दिस इज़ पेज नंबर 15. फिर ये स्पोर्ट्स में मीनवाइल डिसीजन ऑन T20 वर्ल्ड कप डिफर है, अभी नो शो चल रहा है यहाँ पे. ये फ्रूगल इंजीनियरिंग का और अच्छे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, फ्रूगल इनोवेशन. असम की वर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी है, डेवलप किया है फंगल पाउडर टू बूस्ट इम्यूनिटी. COVID-19 का वैक्सीनेशन या वायरल एंटीवायरल में टाइम लग रहा है, इम्यूनिटी इज़ अ गुड वे फॉरवर्ड. तो इन्होंने, ये बायोटेक टीम ने ये ऐसे यहाँ पे डेवलप किया है. सो दिस इज़ मेड बाय फ्रीज ड्राइंग सुपर मशरूम से बनाया है, कल्टीवेटेड इन दिस बोडोलैंड यूनिवर्सिटी. ये अफोर्डेबल रहेगा फॉर कॉमन मैन एंड प्लेथोरा ऑफ अदर इनोवेशंस भी किए हैं. दिस इज़ द हाईलाइट. जैसे फंगल इम्यूनिटी बूस्टर है, मेम्ब्रेन मास्क है जो केवल 4 रुपी पर यूनिट में है, हर्बल एंड अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं, लेज़र LED असिस्टेड अनमैंड सैनिटाइजेशन टनल है, लो कॉस्ट फिजिकल कम केमिकल सैनिटाइजेशन बॉक्स है, एंड PPE किट है विद एक्वेरियम एरेटर. दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज कल हमने देखा था मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर्स में सेल्फ रिलायंट होना क्यों ज़रूरी है हमें. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़, गुड वे टू मूव फॉरवर्ड. सो टुडे वी रेड अबाउट दिस असम वर्सिटी डेवलप फंगल पाउडर टू बूस्ट इम्यूनिटी. देन दिस इज़ अबाउट FDI परसेंटेज, कहाँ किस कंट्री से कितना FDI आया और किस सेक्टर में FDI का ब्रेकअप क्या है. सिंगापुर ने टॉप किया था, नोटेड डाउन, वेरी वेरी यूजफुल न्यूज़ आइटम. देन बिजनेस में गूगल आइंग दिस 5% वोडा आइडिया स्टेक. USA में वायरस टोल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, WHO बोल रहा है डू नॉट स्लैश हेल्थ स्पेंडिंग. देन दिस इज़ चाइना पासिस कॉन्ट्रोवर्सियल हांगकॉन्ग हेराल्डिंग मानसून. ये इंडियन मानसून 16th of May वी डिस्कस्ड. देन दिस इज़ बीजिंग लद्दाख ब्रिंकमैनशिप, और ये है कैन इंडिया वर्कफोर्स हैव अ सेफ रिटर्न टू बिजनेस. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ टू स्टेलमेट. इसमें हमने देखा बीजिंग का क्या पॉलिसीज़ है. देन दिस इज़ अबाउट इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी. इंडिया एंड नेपाल काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, इसको हमें दिस जिंगोइज़म, अल्ट्रा नेशनलिज़म और नॉन सिंसियर बातों से इसे रूड नहीं करना चाहिए हमें. देन दिस इज़ अबाउट योर ओपिनियन बिकॉज ये फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मेनेस है COVID-19 की तरह. गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, वॉट आर योर ओपिनियंस और सॉल्यूशंस भी क्या हो सकते हैं 50 to 100 words में फेक न्यूज़. ये दिस इज़ ब्रूइंग स्टॉर्म. देन यहाँ पे है एक्सपोर्ट ब्लॉक्स हमें रिमूव करना है. ये लॉकिस्ट अटैक है, ऑनगोइंग है, विल अगेन सी दिस. देन ट्रेड कंजम्पशन ऑफ लिकर नॉट अ फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट ने ये बताया हाईकोर्ट को. गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ट्रिपल वैमी है वहाँ पे. देन ये हमने पढ़ा हेस्टी फीड रायनो के बारे में, रायनो का दिस कंजर्वेशन पॉपुलेशन एंड वॉट ऑल वी कुड डू. लॉकडाउन 4.0 एंड हो रहा है, अब हम आगे कैसे बढ़े. हैव योर ओपिनियन, शेयर योर ओपिनियन, से 50 to 100 words में राइट डाउन योर सजेशंस. देन दिस इज़ अबाउट टेक कंपनीज, यहाँ बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है. ये चाइना का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, वेरी गुड आर्टिकल, राइट, ट्राई टू राइट योर ओपिनियन कि टेक कंपनीज से इंडिया को कैसे यहाँ पे हमारी सोवेरनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज़ वर्किंग विद चाइना टू रिजॉल्व LAC इशू पीसफुली, MEA. और ये है 29th of May 2020. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.